तो आखिरकार आपने संघ भाजपा और बजरंग दल का कॉकटेल बना हुआ मध्य प्रदेश का खरगोन वाला नेता के बारे में तो आपने सुन ही लिया कि किस तरीके से वो एक मुस्लिम संगठन बनाकर के मुस्लिम नाम वाली संगठन बना के तंजीमें जरखेज संगठन बनाकर हिंदुओं को बहुत बुरी तरीके से उसने ठगा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि देश में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो दुनिया की जानी मानी कंपनियों में शुमार हैं लेकिन उनके मालिक हिंदू हैं और कंपनी का नाम पूरी तरीके से अरबी नाम है, अरबी नाम, एकदम मुस्लिम नाम उनका। कोई भी सुनेगा तो पक्का कहेगा हाँ भैया तो मुसलमान की कंपनी होगी, किसी की हिंदू की तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन आपको हम कुछ हैरान करने वाली बात बता देते हैं और खास तौर से बीफ को लेकर के जब जिक्र होता है तो संघ बीजेपी और उसके चेले चपाटियों की कक्षा में आग लग जाता है, सुलग जाता है, एकदम कच्चे वाली गैंग का हालत बिल्कुल खराब हो जाती है और गुस्से में हो जाती है। मतलब बीफ का ताल्लुक वो पूरी तरीके से मुसलमानों से जोड़ देती है और कहती है कि भैया ये लोग बीफ खाते हैं, बाकी लोगों की भावनाएं आहत करते हैं, ये बिल्कुल गलत काम करते हैं। लेकिन खैर किसी भी के भी खान पान से हमारा कोई संबंध नहीं, ना उनके खान पान पर हम टिप्पणी करना चाहते हैं। चाहे हिंदू खाता हो, मुसलमान खाता हो, क्रिश्चियन खाता हो, चाहे कोई कुछ भी खाता हो, वो अपने मुंह से खा रहा है, मुझे तकलीफ क्यों होगी? उसने मुझसे तो मेरा मुंह धार मांग के खाया नहीं है, वो अपने मुंह से खा रहा है, चाहे जो खाए चाहे जो पिए, हमें उससे क्या। लेकिन जब राजनीति ओछी हो जाती है, एकदम गिर जाती है, स्तर गिर जाता है, तो किस तरीके से उस पर पॉलिटिक्स होती है पहले उसके बारे में हम आपको बता दें। जी न्यूज की खबर है, बाकी कंपनियों के बारे में बताएंगे लेकिन जरा जी न्यूज की खबर सुन लीजिए। जी न्यूज ने 10 अगस्त 2015 को एक रिपोर्ट छापी और उसने वेबसाइट पर लिखा कि बैन के बावजूद गोमांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत है। बाकी का हाल आपको हम बताएंगे लेकिन जरा उन कंपनियों के बारे में सुन लीजिए जिनके मालिक हिंदू हैं, नाम अरबिक है, कंपनियों के नाम मुस्लिम्स हैं, जरा सुन लीजिए। केंद्र सरकार बताती है, केंद्र सरकार का जो महकमा है जो बीफ वगैरह सबको डील करता है उसका नाम है अपेडा, और उसको विस्तार से लोग कहते हैं वाणिज्य मंत्रालय की जो संस्था है उसको कहते हैं कि कृषि और प्रसंस्कृतिक खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी अपेडा। इसके हिसाब से, अगर इसके डेटा के हिसाब से बात की जाए तो 74 बूचड़ खाने ऐसे हैं जिनके 9 मालिक जो हैं वो हिंदू हैं। 74 बूचड़ खानों में 9 बूचड़ खानों के मालिक हिंदू हैं, जिसमें आप सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी को जोड़ लें जो विदेशों में बीफ सप्लाई करती है, यहाँ माने विदेशों में सप्लाई करती है, उसका नाम है अल कबीर एक्सपोर्ट, अरेबियन एक्सपोर्ट, अल नूर एक्सपोर्ट। हाय कितना प्यारा नाम है, प्योर अरबी वाला नाम है, उर्दू वाला भी नहीं, अरबी वाला नाम, यानी खांटी मुसलमानों वाला नाम। लेकिन इनके मालिक कौन है? सबके सब हिंदू। 6 कंपनियां और हैं लेकिन उनके नाम ऐसे नहीं है जितने अरबी, शुद्ध अरबी मुसलमानों वाले नाम इनके हैं, और इनके मालिक कौन है? हिंदू हैं। अब चाहे बेवकूफ बना करके किसी को कर रहे हो या एक बिजनेस का तरीका इनका हो सकता है, नाम से क्या फर्क पड़ता है? कोई नाम फर्क नहीं पड़ता। और भाषा तो किसी एक समुदाय विशेष से उसको जोड़ के देख ही नहीं सकते, लेकिन जो लोग भाषा और धर्म को जोड़ करके देखते हैं ये उनके लिए खबर है। अल कबीर का जो मालिक है उनका नाम है सतीश सब्बरवाल, इनका बूचड़ खाना तेलंगाना में है, इनका हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में भी है, लेकिन अरेबियन एक्सपोर्ट का जो मालिक हैं वो भी सुनील कपूर हैं, अरेबियन एक्सपोर्ट मालिक। अल नूर एक्सपोर्ट, अल नूर यानी रोशनी, नूर, अल नूर एक्सपोर्ट, सुनील सूद, सुनील सूद। अब न सतीश सब्बरवाल नाम से मुसलमान हैं, न सुनील कपूर नाम से मुसलमान हैं, और न ही सुनील सूद नाम से मुसलमान है, लेकिन इनकी कंपनियां अल कबीर एक्सपोर्ट, अल अरेबियन एक्सपोर्ट, अल नूर एक्सपोर्ट, अल कबीर, अरेबियन एक्सपोर्ट, अल नूर एक्सपोर्ट, ये 3 कंपनियां, इनके मालिक हिंदू ही हैं। बाकी 6 कंपनियां और हैं उनके भी मालिक हिंदू हैं लेकिन ये मुस्लिम नाम वाले हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए और देख लीजिए। अच्छा, ये जो कंपनियों का नाम ने बताया ये बड़े दूर दूर तक खाड़ी देशों में व्यापार करते हैं, और अल कबीर की बात करें तो जितने भी खाड़ी देश हैं, मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश हैं, खाड़ी देश हैं, सब मुस्लिम ही देश हैं वहाँ पे, उन अरब देशों को खूब जम करके ये लोग बीफ सप्लाई करते हैं और लाखों करोड़ों का जो है मुनाफा कूटते हैं, उससे भारत सरकार का ही फायदा है, कोई नुकसान तो है नहीं। अब देखिए एक खबर ये सुन लीजिए, 2017 में, मई 2017 में आज तक ने एक रिपोर्ट लिखी,
और ख़ास तौर से जिसका ताल्लुक था गोहत्या और गोमांस को लेकर के। अच्छा ये देखिए, मैं जानबूझकर आपको किसी और, मैं न्यूज़ चैनल्स का या वेबसाइट का जिक्र नहीं कर रहा हूँ जिसको लोग कहें कि भाई देश विरोधी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग से संबंध हैं, या अर्बन नक्सल की वेबसाइट्स है या समाचार चैनल्स है। ये मैं जी न्यूज़ और आज तक का मैं जिक्र कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैं अभी आपको न्यूज़ 18 का भी जिक्र करूँगा, उसको भी आप देखिएगा। एबीपी न्यूज़ का भी जिक्र करूँगा। कट्टर अंध भक्तों की संख्या बड़ी लंबी है, लेकिन आप देखिए, एक तो जी न्यूज़ ने 10 अगस्त 2015 को लिखा कि बैन के बावजूद गोमांस का सबसे बड़ा निर्यातक है भारत। उसके अलावा देखिए, आज तक तो 29 मई 2017 को लिखता है कि गोहत्या पर देश में ही अलग अलग कानून, किसी राज्य में खुली छूट तो कहीं बिल्कुल बैन। देखिए आज तक बता रहा है कि भारत में 80% से ज्यादा हिंदू आबादी है। कौन बताता है? आज तक बता रहा है कि 80% भैया भारत में हिंदू लोगों की आबादी है, जनसंख्या हिंदुओं की 80%, जिसमें ज्यादातर आबादी गाय को पवित्र मानती है, गाय को जो है वो पवित्र मानती है। लेकिन दूसरी तरफ भारत दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां बीफ का रिकॉर्ड निर्यात होता है, और ये 2017 की खबर है। छापा किसने? आज तक ने। और क्या बता रहा है? 11 राज्यों का नाम उसने गिनाया है। गौर करिए, 11 ऐसे राज्य हैं जहां गोहत्या बिल्कुल बैन है। उसमें बताया कि गाय, बछड़ा, बैल, सांड की हत्या पूरी तरीके से रोक है, जिसमें ये रोक जो है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और 2 केंद्र शासित राज्य हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, यहाँ जो है बीफ पर रोक है। इन राज्यों में गोहत्या का उल्लंघन होने पर कड़ी सजा का प्रावधान, जितने मैंने आपको गिनाए हैं। इसके अलावा और देख लीजिए, 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ कोई भी बैन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खाओ पियो, मस्त रहो, मौज करो। क्या है 10 राज्य? केरल, पश्चिम बंगाल, असम। और असम बताइए, असम तो बीजेपी की सरकार है, हो सकता है आप रोक लगा दी हो, लेकिन जब ये खबर छपी 2017 की तो मैं उसका रिपोर्ट का हवाला बता रहा हूँ, बाकी अल्लाह जाने भाई अब किस समय क्या हालात है। असम के बाद अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, केंद्र शासित राज्यों में गोहत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ गाय, बछड़ा, बैल, सांड और भैंस का मांस खुले बाजार में बिकता है और खाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह, 80% आबादी, 14-15% मुसलमान हैं, बाकी में क्रिश्चियंस हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, इन 4.5% मिला लीजिए तो कुल मिलाकर 80% योग आज तक गिना रहा है। लेकिन बाकी जो लोग हैं, ये जो मांस खाते हैं, क्या ये 20% तो खाते नहीं हैं? 80% जब खा रहे हैं तो गाय, भैंस, बछड़ा का कौन खाता होगा? ये रिपोर्ट्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। बाकी अपनी अपनी पसंद, जिसको मन से वो खाए, कुछ भी खाए। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ आंशिक प्रतिबंध है। आंशिक प्रतिबंध का मतलब कुछ शर्त लग गए, कुछ शर्त लाद दिए गए और उस शर्तों के आधार पर थोड़ी बहुत छूट है, यानी थोड़ी थोड़ी बहुत जो खुली छूट है बाकी सब जायज़ है, यानी कुल कुछ शर्तों के साथ सब कुछ जायज़ है। उन राज्यों में सुन लीजिए जहाँ गोहत्या पर आंशिक प्रतिबंध लगे हैं, वे 8 राज्य हैं: बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और 4 केंद्र शासित राज्य। शर्तों के साथ जो है वो आप यहाँ पे पूरा कांड कर सकते। आंशिक प्रतिबंध का आशय है गाय और बछड़े की हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध, लेकिन बैल, सांड, भैंस को काटने और खाने की इजाजत है। ये आज तक बता रहा है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, देश की एक नेशनल मीडिया है ये वो बात बता रही है, जिम्मेदार मीडिया मानी जाती है, ये उसने डेटा बताया है। और सुनिए क्या क्या नहीं है, क्या क्या पॉलिटिक्स नहीं होती है। जी न्यूज़ लिखता है 29 जुलाई 2017 को कि गोवा में बीफ की कमी नहीं होने देंगे, बीफ की कमी कर्नाटक से करेंगे पूरा। और ये बात कौन करता है? मनोहर पारेकर उस समय जीवित थे, गोवा के वो मुख्यमंत्री थे, बात 2017 की है और जी न्यूज़ लीग ने लिखा है इस चीज़ को कि गोवा में नहीं होने देंगे बीफ की कमी, कर्नाटक से करेंगे आयात, मनोहर पारेकर। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद आज तक एक और खबर लिखता है 2 अप्रैल 2017 को, लिखता है केरल में बीजेपी नेता ने किया अच्छे बीफ दिलाने का वायदा। मतलब इलेक्शन था
तो बीजेपी के नेता ने कह दिया कि भैया हम अगर जीत के आएंगे ना, हमारी पार्टी अगर बन गई ना, तो एक नंबर का टनाटन जो है बीफ हम दे लेंगे, अच्छा फ्रेश बीफ हम देंगे। जो मौजूदा सरकार है वो अच्छी बीफ नहीं दे रही है, लेकिन हम आपको अच्छा वाला बीफ देंगे। तो खैर वो तो जीते ही नहीं। इसके अलावा देखिए, न्यूज 18 ने 27 मई 2015 को लिखा है, वो भी एक बड़े केंद्रीय मंत्री के हवाले से। आपको याद होगा केंद्रीय मंत्री एक मुख्तार अब्बास नकवी थे, अभी कुछ दिन तक वो मंत्री रहे, अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री भी रहे, अल्पसंख्यक माना एटम मिनिस्टर भी रहे। तो उन्होंने एक बयान दे दिया था कि जिसको गोमांस खाना, जिसको बीफ खाना है, वो पाकिस्तान चला जाए, मतलब भारत छोड़कर कहीं और चला जाए, ये भारत में नहीं खा सकता। तो उनकी बात सुन करके बीजेपी के ही एक बड़े केंद्रीय मंत्री को खुन्नस आ गई थी, और उन्होंने जवाब में झन्नाटेदार एक जवाब दिया, कहा मैं खाता हूं गोमांस, कोई रोक सकता है क्या? ये कौन बोल रहे हैं? बीजेपी केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, पूर्वोत्तर से आते हैं ये, और उन्होंने कहा कि मैं खाता हूं भी, मुझे कोई रोक सकता है तो रोके, ये चैलेंज दे रहे हैं। और बीजेपी के मंत्री हैं, मोदी जी के मंत्री, वो खाते हैं बीफ। बीफ का मतलब कौन? भैंस का मांस नहीं, गाय। ये कह रहे हैं कि मैं खाता हूं गोमांस, कोई रोक सकता है क्या? किरण रिजिजू बोल रहे हैं। इसके अलावा सुनिए, मांसाहार और मांसाहारियों के बारे में भी सुन लीजिए। एबीपी न्यूज ने 8 अप्रैल 2022 को, 8 अप्रैल 2022 यानी अभी 2022 चल रहा है, तो 8 अप्रैल 2022 को इन्होंने एक खबर लिखी थी, भारत में जमकर मीट खाते हैं लोग, सर्वे का खुलासा, लगभग 90% से ज्यादा मांसाहारी यही है, यानी भारत में ही है। एक सर्वे ने किया था, उसके अंदर बताया कि 90% तो लोग भारत वाले ही खाते हैं। कौन क्या खाता है मैं पहले ही बता चुका हूँ, कौन क्या खा रहा है, किसको क्या पसंद है, किसको क्या पसंद नहीं है, उसकी अपनी मर्जी है। उत्तर भारत में एक अलग नियम चलता है मांस को लेकर के, दक्षिण में एक अलग नियम चलता है, वहाँ अक्सर बैल वगैरह को सम्मान भी दिया जाता है, सम्मान से उनकी पूजा भी होती है, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स होती है, राजनीति राजनीति है, और ख़ास तौर से पशुओं को लेकर के, वो पशु जिनको पूजनीय कहा जाता है उनको लेकर अलग ही राजनीति हो रही है। इसमें ज़्यादातर जहाँ खुली छूट है वो बीजेपी वाली सरकारें हैं वहाँ पर, लेकिन खूब जमकर वहाँ पे गौ मांस का उपयोग होता है, गौ हत्या होती है। बीफ के मामले में तो सरकार ये भी कह सकती है कि भाई बीफ का मतलब सिर्फ गाय मांस का थोड़ी ना, बीफ का मतलब सिर्फ गौ मांस नहीं है, भैंस का भी है। लेकिन यहाँ नेशनल मीडिया बता रही है कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। तो बहरहाल जो तीन बड़ी कंपनियां हैं देश की बूचड़ खाने वाली, बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां हैं, उनके मालिक आपने देख लिया कि हिंदू हैं, जो उर्दू अरबी नाम रख करके अपनी कंपनियां चला रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुल मिलाकर 9 कंपनियां हैं जिनके मालिक हिंदू हैं, चला रहे हैं, कारोबार चला रहे हैं, सभी मस्त हैं। आप भी मस्त रहिए, सुनते रहिए इन लोगों को, इनके बयानों को। जब ये लोग इस तरह की बातें करें तो इनसे इन्हीं सवालों को परखिए कि भाई आपके नेता कहते हैं हम खाते हैं, वो तो मुसलमान पे तो बीफ का बात लगता है कि वो भैंस का भी मांस खाता है, लेकिन आपके नेता तो गाय का मांस खाते हैं, गौ मांस खाते हैं। गौ हत्यारा तो असली वाले तो आप ही के स्टेट के लोग हुए, आप ही गवर्नमेंट बीफ का एक्सपोर्ट करवाती है, वादा करती है एक जगह सरकार में कि हमारी सरकार आई तो हम जो है बीफ अच्छा देंगे। एक 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 मुख्यमंत्री कहते हैं कि भैया बीफ की कमी नहीं होने देंगे, हम कर्नाटक से मंगवा लेंगे, यहाँ वहाँ से मंगवा लेंगे, कोई कमी नहीं होने देंगे आप लोगों को। और एक नेता तो छाती ठोक कर कह रहा है कि मैं खाता हूँ, बोलो क्या कर लोगे, रोक सकते हो तो रोक लो, केंद्रीय मंत्री हैं। तो ये हाल है। खैर पॉलिटिक्स अपनी जगह, खान पान अपनी जगह, जिसको जो मन हो वो खाए, जिसको जो मन हो वो पिए, कौन रोकता है, सबको आज़ादी है। फिलहाल क्या कहेंगे इस मामले में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और विभाग ने निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाला नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत, जय। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।